We started with the definition of natural numbers and we went till real number, we went till rational numbers, or we went till real numbers. We saw the representation of real number on number line. हम लोगों ने काफी चीजों को पढ़ा था, कैसे अपन नंबर्स को, रियल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इंसर्शन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स. वी यूज द फैक्ट दैट द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर्स लाइज बिटवीन द टू नंबर्स. दिस इज वॉट वी यूज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, so now the thing is, then we saw how to represent the number on the number line. 2 by 5 ko humne represent kiya tha, humne minus 7 by 3 ko represent kiya tha. Then after that we saw number line. These all things we have done. Then what we did is I gave you one homework, right? I gave you one homework. In that homework, you were required to tell me, in that homework, you are required to solve the questions. Okay. So today, first of all, we will discuss those questions and then we will proceed further. Okay. So let me quickly come to those questions. Yeah. This was your check your progress. So this is first question number one. Is there any problem in this? Is question ko karne mein? कोई प्रॉब्लम थी किसी को भी? अगर किसी को, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर एनी प्रॉब्लम, वाज देयर एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? नो सर. नो सर. पक्का? एंड डोंट वरी, द आंसर दैट विल बी गिवन टू यू, जो आपको आंसर बुक में दिया होगा, हो सकता है आपका आंसर उससे अलग आया होगा. इसमें इससे घबराने की बात नहीं है. बट वॉट यू शुड बी मोर worried about is your number. अगर आपने मान लो, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि सर आप एक नंबर बताओ यहाँ पे 3/8 और 2/5 के बीच में, तो मैं बोलूंगा 39/100. Without wasting any single moment, I will give you the answer 39/100. Why sir? Why 39/100? चलो 39/100 मत लो, मैं आपको दूसरा नंबर दे दूंगा 19/50. चेक कर लो, दिस नंबर लाइज बिटवीन 3/8 एंड 2/5. कैसे सर? हाउ यू सेट दीज थिंग्स सो क्विकली? बिकॉज दिस 3/8 इज, अगर आप इसको फ्रैक्शन में, परसेंटेज में चेंज करोगे, अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे, तो इट बिकम 0.375 एंड दिस इज 0.4. सो बेसिकली आई एम रिक्वायर्ड टू टेल ए नंबर दैट इज मोर देन 0.375 एंड दैट इज लेस देन 0.4. कौन सा हो गया? 0.39 इज वन सच नंबर. 0.39 is one such number. इसको आप 39/100 भी लिख सकते हो, या आप एक और नंबर हो गया 0.38 is also one such number. आप इसको चाहो तो 38/100 which is nothing but 19/50 भी लिख सकते हो. That is why I gave you, quickly I gave you two numbers, that is 39/100 and 19/50. आपका जो आंसर आया होगा वो हो सकता है इससे कम आया होगा, इससे ज्यादा आया होगा. That is, फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो बुक में कुछ और दिया हुआ है, हमारा कुछ और आ रहा है. व्हाट यू शुड बी वरीड इज योर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.375. सर ये 0.375 कहाँ से आया? 3 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे बेटा, तो 0.375 आएगा. डिवाइड करके चेक कर लो. दूसरा, योर नंबर शुड बी ग्रेटर देन योर नंबर शुड बी लेस देन 0.4. अब सर ये 0.4 कहाँ से आया? 2 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट दिस 0.4. सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द टू नंबर्स, दैट इज 0.375 एंड 0.4. तो योर नंबर शुड लाई बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स. ओके, नेक्स्ट, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. वॉज देयर एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस? नो सर. नो सर. चलो एक बार जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं. इसको अपन ने लिख दिया 3/1, इसको लिख दिया 4/1. ठीक है, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो मिनिमम 6 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बी 18/6 एंड दिस विल बी 24/6. इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6. हो गए 5 नंबर्स.
चूंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें 5 नंबर्स मिलेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करते तो 6 नंबर मिल जाते, इस तरीके से द थिंग गोज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स yields a recurring decimal? Recurring decimal के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सर recurring decimal कब आता है, जब denominator में 2 की power लिखी हो या 5 की power लिखी हो, इन्हीं दोनों cases में हमारा recurring decimal आता है। तो देख लो, check कर लो, 2 की power किसमें है, 5/3, यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, 5 की पावर भी नहीं है, इसमें नहीं होगा। 7/16, यहाँ पे आई एम हैविंग 2 की पावर तो इसमें होगा। 9/14, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें 2 की पावर तो है, 2^1 तो है, लेकिन 7 की पावर भी है। तो 7 की पावर की तो बात हमने की नहीं थी, हमें तो सिर्फ या तो 2 की पावर चाहिए या तो 5 की पावर चाहिए, तो इसमें भी नहीं होगा, 5/7 में भी नहीं होगा, 12/5 में होगा, अगेन 6/11 में नहीं होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट 2 की पावर एंड 5 की पावर। अगर यहाँ पे 63/14 होता, अगर 9/14 की जगह 63/14 होता बेटा, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता वो रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता। रेकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था एज ए फ्रैक्शन। व्हाट इज द आंसर दैट यू गॉट, व्हाट इज द आंसर दैट यू गॉट, प्लीज टेल मी। 1128/999 लिखा हुआ है ये, इसको अपन ने x मान लिया। अब चूंकि 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं 10^3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो माई 1000x विल बी इक्वल टू 1129.129 bar, that can also be written as 1129 + 0.129 bar, ठीक है सर। अब इस x को I can also write as 1 + 0.129 bar। अब ये equation number 1 हो गया, ये equation number 2 हो गई। equation number 2 minus equation number 1 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1000x में से x घटाया तो 999x, और यहाँ पे आपको मिला ये 0.129 कैंसिल हो गया, ये बचा 1129 - 1, दैट इज इक्वल टू 1128। सो फाइनली आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 1128 डिवाइडेड बाय 999, दैट विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने किया भी है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट नहीं है, नहीं पूछोगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई डाउट नहीं है, नहीं पूछोगे, तो आगे बढ़ते हैं। सर डाउट, हाँ बताइए सर, हाउ डू वी डिसाइड के कितने डिजिट के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है? That I told you, जितने places के बाद repetition है, जैसे यहाँ पे देखो 1129, 1.129, then 129, then 129. The decimal is, the repetition is after 3 places, right? So I will multiply it by 1000. अगर यहाँ पे 1.111111 होता तो द रेपिटेशन इज आफ्टर फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। अगर मेरे पास यहाँ पे 1.12 होता तो अगेन द रेपिटेशन इज आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे मैं फिर 100 से मल्टीप्लाई करता। बात समझ में आ गई? यस सर। गुड, आगे बढ़े। सो आगे बढ़ने से पहले जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल बैक। रीडिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स, अब हमने सर, हमने जो हमारा डिस्कशन चालू हुआ था वहां पे हमने रैशनल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा था, और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि सर रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो उसको कि हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था कि माय रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर? एक तो होता है टर्मिनेटिंग,
जिसका डेसिमल, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यू विल गेट अ रिमाइंडर एज जीरो, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट इज अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इस केस में क्या होता है कि आपके पास लास्ट में कुछ एक ऐसा रिमाइंडर मिल जाता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, ये हो गया. क्या इसके अलावा कोई और केस हो सकता है? क्या इसके अलावा कोई और केस हो सकता है? यस, इसके अलावा वन मोर केस इज पॉसिबल. वन मोर, प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ और मेक श्योर दैट देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज. इसके अलावा एक केस और हो सकता है. वो केस क्या हो सकता है कि आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट इज नीदर टर्मिनेटिंग. हमने दो केसेस की बात की, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. ऐसे नंबर्स को, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को नॉर रिपीटिंग ऐसे नंबर्स को जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? यस, एक नंबर है जिससे आप लोग बहुत पहले से फेमिलियर हैं. आप लोगों ने सेवेंथ में भी उसका यूज किया है, आप लोगों ने एट्थ में भी यूज किया है, नाइन्थ और टेंथ में भी यूज करेंगे. दैट नंबर इज पाई, जिसको हम 22/7 या फिर 3.14 भी बोलते हैं. 3.14 डॉट 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 जो भी हो, इसका एक थ्री डिजिट में भी एक इक्वेलेंट, थ्री डिजिट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय थ्री डिजिट डिनोमिनेटर में भी एक इक्वेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, बट दैट इज नॉट यूजुअली यूज्ड, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बट ये जो है पाई जो है, दिस इज एन इरेशनल नंबर. अब एक सवाल आया मेरे दिमाग में, सवाल ये आया कि सर आप क्या बोल रहे हैं? एक तरफ तो आपने ये बताया था कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, राइट? और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो, आप ये भी लिख रहे हो कि पाई इज इक्वल टू 22/7, एंड दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, एंड वी हैव रेड दैट पाई इज इक्वल टू 22/7. सो हाउ पाई कैन बी एन इरेशनल नंबर? मेरे डाउट को समझ रहे हैं आप लोग? क्या डाउट आ रहा है मेरे पास? Yes, sir. डाउट ये आ रहा है कि एक तरफ तो मैंने बोला कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड, पाई इज इक्वल टू या पाई इज इक्वेलेंट टू 22/7. सो हाउ दिस, व्हाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन? कैन एनीबडी ऑफ यू हेल्प मी आउट कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 22/7 is the approximate value. Achha. Any other answer? No answer. See. Sir. Haan, boliye. Sir, I have heard on that article that a supercomputer divided this with trillions of decimal. Leave that. After trillions of decimal, also this division was not complete, right? After trillions of decimal also, yes. Did that article said that the remainder came out to be zero? No, sir. So it is satisfying the decimal. It is satisfying the definition of a. But so इस हिसाब से तो ये एक irrational number हुआ ना, क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा था कि neither terminating nor repeating, you are correct.
you said that a computer, a super computer divided into some trillions of places. Fine, I agree with you. ठीक है. तो उस हिसाब से तो it is coming, it is classy, it is fulfilling the criteria of an irrational number. Then what does this 22/7 represents? ये तो मेरे क्राइटेरिया को फेल कर रहा है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू एस पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर. तो फिर तो बेटा ये रैशनल नंबर हुआ. तो मैं पाई को क्या मानू, रैशनल मानू कि इरेशनल मानू, मुझे बताओ ना, आई एम कंफ्यूज. सर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज 3.141 एंड डैश डैश डैश, बट द See, approximate value for the calculation purpose we take. See. Pi is an irrational number because pi is defined as the ratio of circumference to diameter. ठीक है, अगर आप पाई की डेफिनेशन ढूंढने जाओगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, द फॉर आवर स्कूल पर्पसेस, we take the value of pi as 22/7 when my radius is multiple of 7. Otherwise, we take the value of pi as 3.14 when my radius is multiple of 10. ठीक है, ये हम practical purpose में ऐसा use करते हैं. But this is not an exact value of pi. आपके questions में कहीं पे भी लिखा होगा use pi is equivalent to 22/7 or pi is equivalent to 3.14. कहीं पे भी pi is equal to 3.14 नहीं लिखा होता है. That is why I am saying that, my dear friend, this pi is an irrational number. Other properties of this irrational number are, other irrational numbers are square root 2, cube root 4, cube root 9, ठीक है, fourth root of 9. These numbers are called as irrational numbers. क्यों irrational numbers होते हैं? Because ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप चार बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 9 मिल जाएगा. जो नंबर मिलेगा वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 200, टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 200, यू वोंट बी एबल टू टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 200. नहीं बता पाएंगे आप लोग. इट विल बी ग्रेटर देन 14 but less than 15. This is what you know. This is what you know, that this square root of 200 will be greater than 14 and it will be less than 15. किसी तरीके से अगर square root मतलब आप किस number, इस ऐसे number को दो बार multiply करो तो यू शुड गेट एन वैल्यू विच इज इक्वल टू 200 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. यू विल गेट एन अप्रोक्सीमेट नंबर. आप जितना क्लोज जाना चाहो आप उतना क्लोज जा सकते हो. आई कैन गिव यू रिजल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 14.41 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 200 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 14.41 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 200 up to 14.41 is approximate value of root 200 up to 2 decimal places. Multiply karke dekh lo, it will be more than 196 and it will be less than 200. Iske aage nahi aayega. Theek hai? So this is called integration. Don't go into that domain where you are not supposed to go. If you want, you can try, but it's not in my scope, so I won't help you out with this integration or any other thing. Okay, chalo aage chalte hain. Ab kuch insertion, वैसे जैसे हम लोगों ने insertion पढ़ा था, insertion of rational numbers. अब हम insertion of irrational number पढ़ेंगे. तो भाई, insertion of irrational number is the most easiest thing that I have done. It is the most easiest thing. कैसे सर? जैसे मान लो
First of all, I will tell you the method, the exact method, and then I will tell you the shortcut. जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं A और B. इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर डालना है. तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू रूट 6. अगर मेरे पास एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों के बीच में अगर मुझे एक इरेशनल नंबर लिखना है तो वन इरेशनल नंबर कैन बी रूट ओवर 6. ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये a इंटू बी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 और 6 के बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर लिखना है तो आप रूट ओवर 16 नहीं बोल सकते हो, बिकॉज 16 इज इटसेल्फ, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा वो 4 आएगी, एंड 4 इज ए रैशनल नंबर, इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका ये होता है कि भाई मुझे इरेशनल नंबर लिखने हैं 2 और 3 के बीच में. ठीक है, 2 और 3 के बीच में मुझे इरेशनल नंबर लिखना है. राइट एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, इसके बाद कोई भी नंबर लिखना चाहो लिख दो. बट एक बात का ध्यान रखना. किस बात का ध्यान रखना बताता हूं. जैसे 2 के बाद मुझे लिखना है, 2 और 3 के बीच में मुझे कोई इरेशनल नंबर लिखना है. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि चलो लिखते हैं 2.689. आज डेट कितनी है? 1604. मेरा फोन नंबर 8527. ये ईयर कितना है? 2021. ऐसे करके मैंने लिखा. एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिख दिया मैंने. इफ आई स्टॉप हियर देन दिस नंबर will not be counted as a rational number. This number will not be counted as an irrational number. इस number को irrational number बनाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा. क्या काम करना पड़ेगा? ध्यान से देखो क्या. Yes, आपको ये dot 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 लगाना पड़ेगा. This dot 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 is very important. कहीं पे भी देख लो, कोई भी किसी भी जगह देख लो, अगर कोई irrational number दिया हुआ है बेटा तो उसके बगल में डॉट 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 लिखा होगा. अगर डॉट 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 नहीं लिखा है, इसका मतलब वो नंबर इरेशनल नहीं है. बात समझ में आ गई? अगर डॉट 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 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नंबर इरेशनल नहीं है. अब एक सवाल ये उठता है कि सर हाँ सर बताइए सर, एक डाउट है. क्या डाउट है सर? डाउट ये है सर कि 2.5555 डॉट 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 और 2.1536 डॉट 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 15365 डॉट डॉट डॉट, इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है. हाउ एम आई सपोज टू फाइंड which number is rational and which number is not rational? क्योंकि यहाँ पे भी dot 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 है, that means this is a terminating, non-terminating but repeating. यहाँ पे भी dot 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 है. अब सर इसमें से एक number rational है, एक number irrational है. This is A, this is B. Now you guys tell me which one is rational and which one is irrational. Sir, A is rational, B is irrational. A is rational, B is A. हाँ जी बोलिए सर. देयर विल बी अ बार? नहीं, बार तो नहीं है. बार तो नहीं है, बिना बार के बताओ सर. लेकिन ए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन बी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ए रैशनल है और बी इरेशनल है. व्हाट इज योर गुड नेम सर? श्री प्रणव जी. ओके, so your friend has told. Acha, iske alawa anybody else who is differing from your friend ki bhai a rational hai ya b irrational hai? Aapke friend ne bola ki sir a is rational and b is irrational. Koi aisa hai jo bol raha hai ki sir dono irrational hai ya dono rational hai? Koi aur jo jiske paas kuch aur jawab hai? Just say sir me I want I have some I object to the friend I object to my friend. Anybody else in the class जो ये कहना चाह रहा हो कि जो आपके फ्रेंड ने आंसर दिया है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है?
बोलो यार। नो सर, मतलब आप सभी लोग कह रहे हो कि आपके फ्रेंड ने जो आंसर दिया वो करेक्ट है, तो आप सभी लोग गलत हो सर। बट बोलिए बोलिए बोलिए। चांस दैट दिस सर, ये इधर जो बी नंबर में 536 और 5 के बाद डॉट 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 है, तो डॉट 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 में 36 वापस रिपीट हो सकता है। अच्छा, ऐसा एक चांस है कि डॉट 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 के बाद 36 वापस रिपीट हो सकता है। ओके, 536 वाला नंबर वापस रिपीट हो सकता है। अच्छा, ऐसा एक चांस है। यू फॉरगॉट टू, ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। हाँ सर, हियर आफ्टर 555 देयर कैन बी अनदर नंबर। After 555 there can be another number, or after 365, after 365 ऐसा repetition, ऐसा कोई दूसरा number आ सकता है, इसके chances हैं। Good, nice, nice point. But my dear friend, if I go with what you are saying, in that case I will not be able to identify in any case whether a number is irrational or irrational. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। द आंसर डेट योर फ्रेंड गेव इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। ये जो नंबर है, ये 2.55555 डॉट 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 है, दिस नंबर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 2.5 बार। ठीक है, आपका फ्रेंड जो बोल रहा है कि सर हो सकता है यहाँ पे कोई एक डिफरेंट नंबर हो, लेकिन अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड वी वोंट टेक that there will be any different number. We will take that this 2.5 is keeping on repeating, this 5 is keeping on repeating. इसी नंबर को तो हम 2.5 बार लिखते हैं भाई। 1 को जब मैं 3 को 1 से डिवाइड कर रहा, 1 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, in every case I was getting the remainder as 1. In every case, I was getting the remainder as 1 and I was getting the quotient as 3. So I was representing it as 0.33333 dot dot dot. और उसी को तो मैंने बाद में 0.3 बार लिखा था। तो यहाँ पे भी तो ये बात हो सकती थी कि लास्ट में कोई 4 आ जाता या लास्ट में कोई 1 आ जाता। नहीं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है, पहली चीज। तो दिस नंबर इज डेफिनेटली अ टर्मिनेटिंग नंबर, और दिस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर आपने 5 लिखा, 536 के बाद आपने 5 लिखा, हो सकता है अगला नंबर 3 हो सकता है अगला उसके बाद वाला नंबर 6 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 536 रिपीट हो रहा है? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पे हम बार से रिप्रेजेंट करते। अगर रिपीट नहीं हो रहा होता तो हम बार से, अगर रिपीट हो रहा होता तो हम बार से रिप्रेजेंट करते। एक काम करो, आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, 7 को 1 से डिवाइड करके बताओ व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग। डिवाइड 1 बाय 7, 1 को 7 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग। यू गाइज हैव 30 सेकंड्स फॉर इट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 0.142857 बार। कैन यू सी दैट डिजिट आफ्टर विच द दिस रिपीटिशन इज कमिंग? 0.142857 So the repetition is coming after 6 places of decimal. छठे प्लेस के बाद repetition हो रहा है। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया 0. अब ये नंबर जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, 0.1/7 का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं पे भी मिलेगा, तो आपको इस तरीके से मिलेगा 0.142857, उसके ऊपर बार, इस तरीके से आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे भी रेपिटिशन होता है
वहां पे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने डिजिट के बाद रेपिटिशन होता है हम उतने डिजिट तक हम बार को लगाते हैं, और जब हम उस नंबर को इक्वेलेंट रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो जितने डिजिट के बाद रेपिटिशन हो रहा है 10 की उतनी पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.142857 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 10^6 से। I will multiply it with 10^6. Okay? I hope I am crystal clear to all of you. बात समझ में आ गई? Say yes or no? Yes sir. Yes sir. आगे बढ़ा जाए? किसी को कोई समस्या? किसी को कोई doubt? No sir. No sir. ठीक है, चलो सर। अब हम बात करते हैं properties of rational number की। तो sorry, properties of irrational number की। तो अगर हम किसी इरेशनल नंबर के निगेटिव की बात करें, जैसे -√3 की बात करें, तो -√3 विल बी निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। किसी इरेशनल नंबर का जो निगेटिव होगा वो भी एक निगेटिव होगा, जैसे -√3, -√5 एंड सो एंड सो। This will also be an irrational number. Sum and difference of a rational and an irrational number is always an irrational number. दो numbers हैं, दो एक rational number है और एक irrational number है, इनका जो sum और difference होगा ये हमेशा एक irrational number होता है। For example, एक number है 2, दूसरा number है √3. So 2+√3 is an irrational number. 2-√3 is an irrational number. So एक irrational number, दो एक rational और एक irrational number का sum और difference जो होता है वो हमेशा एक irrational number होता है। Sum product and difference of two irrational numbers is either rational or irrational. दो irrational numbers हैं, उनका sum, उनका product या उनका difference, ये या तो rational होगा या तो irrational होगा, that will depend upon different situation. Product of a rational number with an irrational number is either rational or irrational. किसी rational number का product एक irrational number के साथ या तो rational हो सकता है या तो irrational हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। That depends upon the case to case. That depend upon case to case कि क्या होता है। So अगर, लेकिन अगर आपके पास एक सवाल आता है कि product of a rational and an irrational number, so this can be either an irrational or it can be rational. Next. अब हम बात करते हैं कि भाई सर root x को, किसी भी नंबर को रूट एक्स है कोई भी, इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, जैसे जैसे हम प्रोसेस बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे, देन आई विल शो यू द फिगर। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर है x, जिसके रूट x को मुझे रिप्रेजेंट करना है, दिस x कैन बी एनीथिंग, 2, 3, 4, 5, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ व्हाट आई विल डू, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पे एक पॉइंट a मार्क कर लेंगे। व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ ए लाइन एंड आई विल मार्क ए पॉइंट a ऑन दिस लाइन। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, then what I will do is I will mark a point B on the line such that AB is equal to x units. I will mark a point B on this line such that AB is equal to x units. ठीक है, यहाँ तक तो कोई problem नहीं है। इस step को हम ऐसे कर सकते हैं कि AB is equal to x units करके एक line हमें draw करनी है। वो x कहाँ से मिला, जिस भी number का square root मुझे निकालना है वो हो गया x। B point से एक डिस्टेंस 1 यूनिट पे एक पॉइंट में मार्क करूंगा C, सच दैट ABC इज ए स्ट्रेट लाइन, सच दैट ABC इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू x+1। भाई हमने क्या किया, A से B तक लेकर आए, एक सेकंड रुको, A से B तक लेकर आए, उसके बाद फिर B से C हमने ड्रॉ किया, B से C 1 यूनिट ड्रॉ किया एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज
nothing but x plus 1 unit. This total distance is x plus 1 unit and ABC is a straight line. अब क्या करेंगे सर, आगे देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लग रही हैं मेरे को, तो आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. नाउ व्हाट आई विल डू इज, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एसी, आई हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एसी एंड दिस पॉइंट आई विल मार्क एज ओ. ये तो मुझे पता है कि हमने ये बचपन में सीखा है कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. नहीं सीखा है तो सुन लो कैसे ड्रॉ करते हैं. मुझे एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ए पॉइंट पे आपका कंपास रखो. दैट कंपास इज दैट ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका एक एंड पॉइंटेड होता है, दूसरे एंड पे हम दूसरे में हम पेंसिल लगाते हैं. तो ए पे एक पॉइंट रखो और हाफ से ज्यादा का आर्क लो. हाफ से ज्यादा का आर्क, किसके हाफ से ज्यादा का आर्क, आपका जो एसी लाइन है जिसको हमें बाइसेक्ट करना है. तो एसी के लेंथ के हाफ से ज्यादा का आर्क लो. यहाँ भी एक आर्क काटो और यहाँ पे भी एक आर्क कट करो. फिर सी पॉइंट पे आ जाओ, अगेन डू द सेम थिंग. द टू पॉइंट्स, ज्वाइन द टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एंड द पॉइंट वेयर दिस the intersection of this line with your given line will be called as O, and this O point will be called as the perpendicular bisector of the line. ठीक है सर. अब आगे क्या करेंगे? अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया और ये जो है AC को O पॉइंट पे कट करता है. अब हमें क्या करना है, C पॉइंट को सेंटर मान के, O पॉइंट को सेंटर मान के और रेडियस OC मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. O पॉइंट को सेंटर मान के, रेडियस OC मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. दिस OC, तो ये मेरा एक सेमी सर्कल हो गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करेंगे आगे देखो, भाई अब हम क्या करेंगे. आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट D. मैं C पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, पासिंग थ्रू B. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो कि B पॉइंट से पास होगा और इट विल कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट D. मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि B पॉइंट से पास किया और वो जो है हमारे सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है सर, ये हो गया. चलो अच्छी बात है. अब क्या बोलते हैं आगे देखो. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, टेकिंग B एज द सेंटर एंड BD एज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क OC प्रोड्यूस्ड एट E. B को सेंटर मान के और BD को रेडियस मान के, B को सेंटर माना, BD को रेडियस माना, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि हमारी ये जो AB लाइन थी, इस AB लाइन को E पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है, कट कर दिया. अब बताओ सर, लेकिन हमारा और ये जो BE डिस्टेंस है, दिस BE डिस्टेंस will be called as my root x. ये जो BE distance है ये हो गया मेरा root x. अब बात ये आती है सर कि तो आपने कहानी सुना दी हमें, हमें तो proof चाहिए, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है. I want proof. I am not able to understand whatever you have told me. I am not able to understand. I want the proof that why this length, this BE will be called as root x. या BE तो उतना ही है जितना ये BD है, तो अगर मैंने इस BD को किसी तरीके से रूट एक्स प्रूफ कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा. चलो प्रूफ कर देते हैं. देखो प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान है. इस ट्रायंगल पे फोकस करो, पहले लेंथ को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट दिस लेंथ OB. OB लेंथ पे फोकस करते हैं कि OB लेंथ कितनी होती है. ध्यान से देखो, ये जो OC लेंथ है, this OC length is nothing but x plus 1 by 2.
this OC length is x plus 1 by 2 and this BC length is 1. OC length x plus 1 by 2 hai, BC 1 hai, so my dear friend, OB kitna hoga? X minus 1 by 2. Jinko samajh nahi aaya, wo aise dekho. It will be x plus 1 by 2 minus 1, which is equal to x plus 1 minus 2 divided by 2, which is nothing but x minus 1 by 2. ठीक है सर, तो ये जो OB की लेंथ है वो x माइनस वन बाई टू है, ये जो OD है, ये जो OD है डेट विल बी इक्वल टू OC, क्योंकि एक सेमी सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो OD विल बी इक्वल टू OC, OD विल बी इक्वल टू OC विल बी इक्वल टू x प्लस वन बाई टू. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. क्यों सर, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? हम ऐसे कैसे मान लें आपकी बात को, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? अभी कंस्ट्रक्शन में किया था ना, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर मीटिंग द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली साइड है x प्लस वन बाई टू, ये वाली साइड है x माइनस वन बाई टू. अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो ये वाली साइड निकाल लो. ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, रुक जाओ एक मिनट, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, दिस बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू x प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर को लगा दो, स्क्वायर को खोल दो और फिर जो टर्म कैंसिल हो जाए वो टर्म कैंसिल कर दो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर मैं इसको a मानता हूं और अगर मैं इसको b मानता हूं दोस्त, तो क्या यहां पे मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है? बोलो हाँ या ना, क्या मुझे यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है? यस सर. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा था, पढ़ा था ना, लगा दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू प्लस एक्स माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन बाई टू माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. तो ये पूरा ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस किया है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा. अब यहां से वन और माइनस वन कट गया तो ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों कट गए तो ये हो गया टू इन टू अपॉन टू, तो ये टू से टू कैंसिल हुआ, ये टू से टू कैंसिल हुआ, सो बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स, सो बी डी विल बी इक्वल टू रूट एक्स. वही काम तो हमने किया है, वही काम तो मेरा आया. अब जब BD इक्वल टू रूट एक्स आ गया तो इतना आर्क लेके इसको सेंटर मान के ऐसे करके एक आर्क खींच दो इतने लेंथ का, जहां पे भी हमारी नंबर लाइन को, हमारी इनिशियल लाइन को कट करेगा, दैट विल बी योर पॉइंट. दिस डिस्टेंस BE विल बी इक्वल टू रूट एक्स. ठीक है सर, दिस इज व्हाट वाज द प्रोसेस इन विच I can, by which I can represent any number on the number line. Root over 99 हो, root over 1021 हो, root over 961 हो, कोई भी number हो, मैं उस number को number line पे represent कर सकता हूँ by this general process. This is the general process by which I can do. There are other processes also. अगर इस process में किसी को कोई doubt है, कोई समस्या है, तो please पूछ लो. Anybody having any doubt in this question, please ask in this explanation. Yes, okay, so let us move ahead. सवाल आप लोगों के लिए आ गया भाई. दो इरेशनल नंबर बता दो, कोई एक इरेशनल नंबर बता दो बिटवीन टू एंड थ्री, जल्दी से फटाफट. हाँ ठीक है, तो एक नंबर हो जाएगा 2.26160420221... क्या लिखा मैंने, 16/4/2021. ठीक है,
अब यहाँ पे फाइंड वन टू इरेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 और 2.5 के बीच में 2.2 3 6 16 0 4 2 0 22 10 11 हो गया। जो भी करना है करो, बस डॉट 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 का ख्याल रखना, डॉट 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 नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और एक चीज और, जो भी नंबर आप लिख रहे हो 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आके 2.678 डॉट 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 लिख दिया फिर आके लड़ने लगे, सर मैंने तो डॉट 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 लगाया था। ऐसा नहीं है, 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक सवाल है, एक सवाल है जिसके थ्रू हम लोग दो मेथड समझेंगे। एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइरल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा मेथड होता है दैट इज द अदर मेथड, उसको भी अपन करेंगे। तो पहले स्पाइरल मेथड की बात करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द स्पाइरल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। कैसे प्लॉट करेंगे सर? पहले तो एक नंबर लाइन बना दो भाई। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैगी का पैकेट लेकर आना पड़ेगा ना, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन बना दिया, उसके बाद ओ ए एक पॉइंट मार्क कर दो। ओ ए एक यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट, ए पॉइंट यूनिट डिस्टेंस पे मार्क कर दो, डेट विल बी कॉल्ड एंड दिस ओ ए डिस्टेंस विल बी वन। ए से एक ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ए बी such that this AB is equal to 1 unit, ठीक है। अब O से लेकर B को मिला दो, O से लेकर B को मिला दो, this OB will be equal to root 2 units, why? क्यों मानू मैं आपकी बात? मत मानो, खुद आपको भी पता है कि why OB will be equal to 1 unit, root 2 unit। बचपन में 8th स्टैंडर्ड में एक पाइथागोरस थ्योरम नाम का एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, थोड़ी सी पढ़ी थी, ज्यादा तो नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी पढ़ी थी। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस एंड दिस एंगल इज 90 degrees, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस OB विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1 square plus 1 square विच इज इक्वल टू रूट 2। अब OB इक्वल टू रूट 2 मिल गया, अब क्या करना है? बहुत कुछ नहीं करना है। O पॉइंट पे अपना कंपास रखो, B पॉइंट तक का रेडियस लो और एक आर्क खींच दो। ये आर्क हमारे ओरिजिनल नंबर पॉइंट को, नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगी, डेट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज root 2। ये पॉइंट मेरा नंबर लाइन पे जहां पे भी इंटरसेक्ट किया, वो जो पॉइंट P है वो मेरा root 2 बनेगा, ठीक है सर। अब मुझे root 3 को रिप्रेजेंट करना है। अब root 3 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई? दस पॉइंट P रिप्रेजेंट्स root 2 ऑन द नंबर लाइन। अब मुझे आगे क्या करना है? Now what I will do is, now अब मेरे को root 3 बनाना है, ठीक है। root 3 को represent करना है क्योंकि question की demand है, root 3 को represent कर दो। अब देखो, ये OB मेरा root 2 था, अगर मैं यहाँ पे 1 unit की line खींच दूँ और इन दोनों को मिला दूँ, तो ये जो distance होगा, by the application of the same Pythagoras theorem, this distance will be root 3। वही काम हमने किया, OB तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 1 unit की लाइन खींची परपेंडिकुलर, 1 unit की लाइन परपेंडिकुलर, फिर मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। सो दिस डिस्टेंस विल बी रूट 3, और सेंटर रख के इतना रेडियस लेके एक आर्क कट किया, जहां पे भी आया डेट पॉइंट Q विल बी कॉल्ड एज OQ, डिस्टेंस विल बी कॉल्ड डेट पॉइंट Q विल बी कॉल्ड एज रूट 3, और द डिस्टेंस OQ will be called as root 3, ठीक है सर। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे चीजों को प्लॉट करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द स्पाइरल मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड एज द स्पाइरल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक और मेथड होता है दैट इज ऑल्सो द सेम मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि
I draw a number line and mark a point O representing zero on it. Now suppose a point A represents one unit, then this OA will be equal to one. Now from A, what will I do? I will draw a triangle OAB such that AB is equal to OA is equal to one units. So my OB will be equal to root two unit. So इस तरीके से मेरा OB जो है वो root two unit आ गया. अब OB जब root two unit आया तो O से B तक का radius लेकर एक arc represent कर, एक arc draw कर दो. वो arc मेरे number line को जहाँ पे भी cut करेगा उस point को C ले लो. ठीक है. So I know that this distance OC is equal to root two units. अब C पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो CE such that CE is equal to one unit. ठीक है. Now this OCE becomes my right angle triangle in which OC is equal to root two and CE is equal to one. So the by the application of Pythagoras theorem, this OE will become root two square plus one square, which is nothing but root three. ठीक है. So this OE, अब O से लेकर E तक का रेडियस लेके आर्क कट करो. जहां पे भी पॉइंट कट करता है नंबर लाइन को, उस पॉइंट को D बोल दो. एंड दिस डिस्टेंस OD will be equal to root three units. ठीक है सर. This is how the things are to be done. These are the two methods of representation. One method was known as the spiral method and another method is this one. Moving ahead, no moving ahead. Now you have to check your progress sheet in your book. In the next class that will be perhaps held on Monday, I will be starting the topic of certs. ठीक है. अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. I'm having second.